अब है जैसे डॉक्टर साहब पढ़त रहे कहें कि जो है लोग आए और आकर चले भी गए। अब उन्होंने तो ऐसा पढ़ा, हम थोड़ा ऐसे पढ़ रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब का रंग चढ़ के उतरा नहीं है। जब किसी का रंग चढ़ के न उतरे उसी को असली गीतकार कहते हैं। जब उसको चरवाहे भी गुनगुनाने लगे, कुत्ते गुस्कुराते हैं अब कौवे गुनगुनाते हैं, गजल जब हम सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं, हम लोग भी गीतों को रचते रहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया सीन आ गया। हम जब उनको अपनी गजलें सुनाने लगे, लोग महफिल से उठ उठ के जाने लगे। ऐसी ऐसी गजलें मैंने छेड़ दी तो लोगों को उठना पड़ा। लेकिन कहा कि जो है लोग उसी पे कह रहे हैं, जब लोग उठ के गए, लोग आए और आकर चले भी गए, तो देर तक अब सुनाने से क्या फायदा, और डॉक्टर बिछड़ू सक से ना जब पढ़ चुके, तो तालियां अब बजाने से क्या फायदा, डॉक्टर बिछड़ू सक से ना जब पढ़ चुके। अब ये है अवतार सिंह की महफिल सुनो, ये है अवतार सिंह की महफिल सुनो, सुन के कविताएं अंदर ही अंदर चुनो। आ गए हैं जो माइक पे हम दोस्तों, तो रूठ कर ऐसे जाने से क्या फायदा। ऐसे डॉक्टर साहब का रंग थोड़ी देर चढ़ा। और सर हमें कुछ बहुत जरूरी बात थी, हमको लगता है जो आप कराए। ऐसे जरूरी बात अखिलेश यादव भी बहन जी के दरवाजे खटखटाए तो सतीश चंद मिश्रा निकले। मिश्रा जी ने पूछा, हाँ कौन? कहे अरे पूर्व सीएम अखिलेश। अरे कहे अखिलेश भैया यह साल कुछ न हो, आप जाए जाए अकेले लड़ेंगे। कहे बस इतना कह दीजिएगा, खुश रहे खुश रहे तू सदा, ए दुआ है मेरी, मैं भतीजा तेरा तू बुआ है मेरी, कुछ रहे। तो थोड़ी दूर आगे गए तो सोनिया गांधी मिली। कहे अम्मा अम्मा नमस्ते। अरे कहे अम्मा सलामा रहा, पप्पू को खराब कर दिया हमारे, हमारा पप्पूआ एकदम से अविवाहित रह गया, अपना तो डिंपल पाए गया, हमारा पप्पूआ सिंपल न पाए। कहा आपकी पप्पू को शादी करा। अब देखा पप्पू को शादी करने के लिए कैसी उकताहट है। कहती हैं, ना मैं पंडित से पूछूंगी ना मैं पोथी बांटूंगी, खुद ही न्योता छपवा कर मैं पूरे देश को बांटूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बाबू मुलायम को धोती भिजवाऊंगी, बहना मायावती को भी रसगुल्ला खूब खिलाऊंगी, केजरीवाल को नया नया दो मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, लालू जी से मैं बिहार के अंदर मिलने जाऊंगी, गठबंधन सरकार बनी तो एक सबको नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, चाहे अमित शाह आ जाए या आ जाए मोदी, इन दोनों बच्चों को फौरन ले लूंगी मैं गोदी, जरा इधर से उधर जो बोले बड़ी तेज मैं डांटूंगी, मैं 10 जनपद की हूँ रानी, गोबर कभी न पाटूंगी, भाई मेरा पप्पू कह मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। देखिए यार रहमान भी नहीं, पप्पी लहरी भी नहीं है, रविंद्र जैन भी नहीं है, मगर कविताओं को संगीत देना ऐसी कला कहां से सीखी मुझे कुछ नहीं पता है, मगर मैं बॉर्न पोएट पैदाइशी करी हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए जो भी हूं जैसा हूं सामने खड़ा, मुझे कुछ छुपाने की आदत नहीं है, और दो चार पंक्तियां और आपके सामने रखूंगा, बहुत देर इसलिए नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अपना मंच है और ये अपने लोग हैं, इसलिए अपने लोगों में बहुत तीर मारने की जरूरत है। राजू राजू भैया कुछ कर। राजू भैया प्रणाम करते हैं।
बैलेंस करा। अच्छा अच्छा, अरे तो चला कोनो बात है, सफाई है तो देखा जाए जोन होए। अब की तो अब अखिलेश भैया का तो सम्मान दिहन जाए के, और तब तक डॉक्टर साहब वहीं में शामिल हो गए दिल्ली में, पता नहीं कहां तक विमोचन तो कहे अब की ना हुलरी है कहा जाए। हां विश्वास जी गए। हां हां विश्वास जी गए थे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा स्थिति आ गई है। आपकी तो तुहारी स्थिति रहे सही, अब सब लड़ी हैं, सब लोग कहते हैं कि हम ही जीतब हम ही जीतब, हम कहे लड़ा भैया सब जीत गया, उठवा सबका मिले। तो भैया राजू भैया आपको बहुत प्रणाम करते हैं, बड़ा सादर नमन कर दे, इसलिए कहते हैं मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे ऐ मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, अब जो इश्क में करे दगा मुझसे उसकी तबीयत खराब हो जाए। अब कहा कि आएगी उम्र भर का रोना लिए हुए, आंखों में अपने जादू टोना लिए हुए, इस लॉकडाउन में जो भी शादी करेगा उसको मिले कि दुल्हन का रोना लिए हुए। क्या बात है, मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिस तुम्हारा सोना हो जाए, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानम, फिर इसके बाद भले ही हमें कोरोना हो जाए। हाँ एक हाँ प्रमुख जी, हाँ प्रमुख जी ये कहा कि अपने हाथों अपनी दवा लाने नहीं देती, अपने मन पसंद का खाने नहीं देती, नात रिश्तेदार पास आने नहीं देती, 14 दिन के पहले घर जाने नहीं देती। हमने कहा कोरोना कब जाओगे मेरे देश से, वो बोला हम जाते हैं पर मोदी जी हमें जाने नहीं देते। क्या बात है, वाह। स्थिति ऐसे हो जाती, जब कोरोना के लक्षण आए तब कैसे, हमने कहा पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया, मुझको वनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया, जिंदाबाद लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक व्हाट सबका तामझाम हो गया, अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। अंबर भाई आखिरी में, हाँ आखिरी में, पहले भी कहा कि बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, आराम से निकल लेंगे। हाँ हाँ सम्मान होना है हमारे कवियों का, कवियों का राजू भैया की तरफ से अतिथियों का सम्मान होना है, कवियों का सम्मान होना है, इसलिए आखिरी में आपकी भाभी कहीं कि फटे पुराने कपड़े अपने फेंकते रहना, फिर अपने हाथों अपनी रोटी सेंकते रहना, फिर खटिया बैठ के तनहाई में रेंगते रहना, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहे। तब जब कोई मायके चला जाता है चली जाती है तो आपके ऊपर क्या बीतती है, बस वही सुना के निकलेंगे कि गई हो जब से सो नहीं पाया, हंस नहीं पाया, रो नहीं पाया, कितना मुझे सताया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, जब से गई हो खुद ही खाना बनाऊं भी सुवास कल, मेरे अकेले पद का ए जानन जरा सा एहसास कल, फोन मिलाऊं पर पतिया ना पाऊं तो क्या दुनिया से उठ जाऊं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, सब पूछते हैं अंबर भाई तुम्हारा क्या हाल है, अब तो चली आ मेरी जिंदगी का ये सवाल है, दो तुम ले गई और दो मुझे दे गई, कैसे इन्हें खिलाऊं, तुम्हें क्या हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।